फर्स्ट थेरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, फर्स्ट थेरम फर्स्ट थेरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, और ये जो है हम किसके लिए पढ़ रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म। है. तो यहां पर अगर हम टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करें जो जिसका डोमेन वेक्टर स्पेस वी एफ है और ये दूसरे वेक्टर स्पेस पर जा रही है लेकिन उसका फील्ड सेम है अगर फील्ड सेम नहीं होगा तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है कौन सी सी टू सी टीवी ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फेल हो जाएगी इसलिए फील्ड सेम होना जरूरी है तो ये क्या कहता है? अगर ये इस तरह से है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन वी एफ और कर्नल टी ये आइसोमॉर्फिक होता है इमेज ऑफ टी के यहां से आप एक रिजल्ट भी देख सकते हैं जो किसके लिए है अगर वी आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक हो गया है ये अगर ये आइसोमॉर्फिक हो गया है तो तब हम इसके डायमेंशन भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ वी ओवर एफ कर्नल टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी ये भी लिख सकते हैं और यहाँ की एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट रैंकनेलिटी थेरम देख सकते हैं यानी कि अगर मैं इसका एप्लीकेशन देखता हूँ तो एप्लीकेशन क्या है इसका रैंकनैलिटी थेरम अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी यानि कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी तो वी के कितने ऑर्डर्ड बेसिस होंगे ये हम किस तरह से निकालते हैं इसको हम यहाँ पर देखेंगे अगर वी जो है हमारा एक फाइनाइट डायमेंशनल है जिसकी डायमेंशन कितनी है एन है और फील्ड में फील्ड की जो कार्डिनालिटी है पी रेस्ट टू दावर के है और आपका जो फील्ड है एफ वो आपका फाइनाइट है यहाँ पर याद रखेंगे फील्ड फाइनाइट होना चाहिए तब आपके वी जो वेक्टर स्पेस वी है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे यानी कि फील्ड की कार्डिनलिटी उसकी पावर एन एन क्या है डायमेंशन ऑफ वी ये क्या है डायमेंशन ऑफ वी तो यहाँ से हमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे एफ में हमारे पास एलिमेंट्स है P की K, उसकी उसकी N, की पी की पावर के और उसके डायमेंस उसके पावर एन यानी कि पी की पावर एन की तो नंबर ऑफ ऑर्डर बेसिस नंबर ऑफ ऑर्डर बेसिस ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी ऑफ वी कितने होंगे ये हम निकाल सकते हैं पी रेस्ट टू दावर एन के माइनस वन इन टू पी रेस्ट पावर एन के माइनस पी और ये इसी तरह से पावर इंक्रीज होती जाएगी पी रेस्ट टू दावर एन के माइनस पी रेस्ट टू दावर के इन टू एन माइनस वन इस तरह से हम निकाल सकते हैं और यहाँ पर याद रखेंगे कुछ और नहीं है जैसे हम जी एल एन जेड पी इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं ठीक वैसे हम यहाँ पर ये निकालें यानी कि ये क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर बेसिस इज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जेड जेड जी एल एन जेड पी एक्चुअली ये क्या है ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर बेसिस ऑफ वी है ये क्या है ऑर्डर ऑफ जी एल एन जेड पी इसके हेल्प से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं